एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के अंदर जो प्रवेश आरंभ होने थे, जबकि 15 दिन ये प्रवेश लेट आरंभ हुए, क्योंकि जब यहाँ पर वाइस चांसलर नहीं है, कुलपति की कमी के होने के कारण अधिकारी अपनी मनमर्जी करते हैं, समय पर यहाँ पर आते नहीं है, और जिसका सीधा सीधा खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ता है। हमने निवेदन भी किया था यहाँ पर डीन साहब को कि भाई 24 तारीख लास्ट डेट है, पर्याप्त मात्रा में विभागों में फॉर्म नहीं आए हैं, इस वजह से डेट इसको बढ़ाई जा रहा है, एक्सटेंशन करके 30 तारीख तक इसको डेट आप बढ़ाएं। इन्होंने आश्वासन भी दे दिया, लेकिन आज 24 तारीख हो गई, अंतिम डेट थी, कोई भी आदेश इन्होंने जारी नहीं किया और छात्रों को बेवकूफ़ बनाने का काम विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहा था। बीए फाइनल ईयर का रिजल्ट अब तक नहीं आया, जबकि एक समय था पूरे राजस्थान के अंदर परीक्षा परिणाम देने में अजमेर विश्वविद्यालय अग्रणी माना जाता था। इस बार 15 से 20 दिन विश्वविद्यालय पीछा चल रहा है, जिसका सीधा सीधा खामियाजा एमडीएस को भुगतना पड़ रहा है। जबकि यहाँ पर डेट नहीं बढ़ी, एडमिशन 15 दिन लेट चालू हैं, जिसकी वजह से जो है बच्चे एमडीएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते थे, वो दूसरे कॉलेजों के अंदर दूसरी यूनिवर्सिटी में चले गए, जिसका सीधा सीधा नुकसान विश्वविद्यालय के एनरोलमेंट पर पड़ा है। आज हमने छात्र संघ के तत्वाधान के अंदर माननीय डीन महोदय को ज्ञापन दिया और घेर के हम पूरा घेराव कर दिया। 2-3 घंटे तक डीन साहब को हमने घेरा है यहाँ पर, और ये चेतावनी दी है कि जब तक डेट बढ़ने का आदेश आज आप नहीं निकालोगे, तब तक हम आपके ऑफिस से नहीं उठेंगे। और इस संदर्भ में डीन साहब के अंदर छात्र घेर के बैठे हुए हैं। मोहित जैन, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर। हमने लास्ट एडमिशन फॉर्म की लास्ट डेट बढ़ाने के लिए सर को ज्ञापन दिया था, तो ये रजिस्ट्रार सर थे नहीं, तो डीन कमेटी के 2 डीन सर और डीएसडब्ल्यू अरविंद जी पारीक सर, वो दोनों से मुलाकात हुई है। उन लोगों से मुलाकात होकर उन्होंने आश्वासन दिया कि मतलब आज डेट लास्ट डेट है, जो फॉर्म भरने बंद नहीं होंगे, मतलब ये डेट आगे बढ़ती रहेगी और कल ऑफिशियली साइट पे निकाल के और इनको डेट 31 तारीख तक कर दी जाएगी। और इसके मतलब हाई लेवल पे इसे ऊपर ऑफिसरों को भी सूचित कर दिया गया है कि मतलब यूनिवर्सिटी में क्या स्थिति चल रही है, तो जल्द से जल्द हमें उम्मीद है कि मतलब सरकार वगैरह जो ऊपर से है इसका निर्णय लेंगे। छात्र संघ अध्यक्ष लोकेश गुदारा। घेराव करा आपका? हमारा बीए पार्ट थर्ड का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, और जो प्रीवियस नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से आज एडमिशन की लास्ट डेट थी, उसे बढ़ाना था, बच्चों की मांग जायज़ थी, उस संबंध में उच्चाधिकारी को अवगत करा दिया है। आज किन्हीं कारणों से डीन कमेटी की मीटिंग नहीं हो पाई, कल इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल जाएगा और 31 तारीख लास्ट डेट रिजल्ट के उसको देखते हुए कर दीजिए। किस तरह से सर्वर डाउन चल रहा है और क्या? नहीं, सर्वर डाउन नहीं है, ये तो एक लास्ट डेट जब भी होती है तो लास्ट डेट को वेबसाइट पर लोड ज़्यादा रहता ही है, इस वजह से बच्चों को फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है। तो वो हमने भी चला कर देखा था, उसको जेन्युइन प्रॉब्लम को देखते हुए तो दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। सीई साहब से भी बात की तो 25 तारीख को हमारा बीए का रिजल्ट भी आ जाएगा, तो उसके हिसाब से 31 तारीख की लास्ट डेट कर दी जाएगी।